अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, सब खैरियत से हैं। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम आईफोन 6 में आई क्लाउड वाई पास कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, इसमें क्लाउड लगा हुआ है। ठीक है, मैं आप लोगों को इसका वर्जन भी दिखाता हूँ। ठीक है, 3U2 में 12.5 वर्जन है इसका। ठीक है, तो चले स्टार्ट कर दें कि कैसे कर दें। ठीक है, सबसे पहले आप जो है ना रूपस को डाउनलोड करेंगे। ठीक है, ताकि हम जो है ना यूएसबी पेन ड्राइव जो है ना वो इसमें चेक करें, जो है ना वो बूट करेंगे। ठीक है, तो मैं जस्ट यूएसबी को कंप्यूटर में लगाता हूँ। ठीक है, और यहाँ से इसको परमिट मारता हूँ। ठीक है, ये परमिट कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं रूफस में। ठीक है, यहाँ से इसने 4GB का पेन ड्राइव उठा लिया है। ठीक है, हम सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे और ये जो है हमारे पास 0.12.4 जो चेक रेन है विंडो के लिए। मैं उसको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ताकि चेक रेन जो है ना पेन ड्राइव में बूट हो जाए। ठीक है, इसके बाद तो नेक्स्ट स्टेप कर दें। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, चेक करें जो है ना वो यूएसबी पेन ड्राइव में जो है ना बूट हो गया। ठीक है, अब हम इसको क्लोज करेंगे। ठीक है, इसको भी क्लोज करेंगे और पीसी को जो है ना रिस्टार्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से कीबोर्ड पर F9 बूट किए हैं हमारा। ठीक है, मैंने F9 सेलेक्ट किया और यहाँ से जो है ना ये वाला सेलेक्ट किया। ठीक है, तो ये हमारे पास 14.5, इस मेथड से आप 14.8 तक जेल ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, हम पहले जो है ना जेल ब्रेक कर दें। ठीक है, फ़ोन को, ये हमारे फ़ोन जो है ना पीसी के साथ कनेक्ट है। ठीक है, अब जो है ना हम कीबोर्ड से ये वाला की प्रेस करेंगे। ठीक है, और यहाँ से जो है ना स्टार्ट वाले एंटर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे तो ये फ़ोन जो है ना हमारा रिकवरी मोड पर चलाया जाएगा। ठीक है, आईटून मोड में। ठीक है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं ये अब रिकवरी मोड में जाएगा। ठीक है, अभी बता रहा है कि साइड वाले की और जो है ना ये वाले की, इन दोनों को जो है ना पहले स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और ये दोनों बटन को प्रेस करेंगे, इसको छोड़ देंगे, ये दबा के रखना है। ठीक है, इसको भी छोड़ दें। ये आप देख सकते हैं हमारा जो जेल ब्रेक है ये एरर दे दिया। दोबारा ट्राई कर,
ट्राई किया लेकिन वो फेल हो गया, दोबारा ट्राई किया। ठीक है, इंशाल्लाह डन हो जाएगा। ये बोटिंग अब हो रहा है। ठीक है, मोबाइल फोन स्टार्ट हो गया। हेयर डन हो गया, ठीक है, ऑल डन हो गया। ठीक है, अब पीसी को विंडो पर ले जाते हैं। ठीक है, इसको हटाते हैं। ठीक है, हम दोबारा पीसी पे आए। ठीक है, और इसके बाद हम जो है ना ये रूपस और ये जो F3 वाला जो ये बाईपास टूल है इस पर हम दोबारा डबल क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे। ठीक है, बाद ओके करेंगे। ठीक है, और ये जो है ना आप पहले यहाँ पर रजिस्टर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप रजिस्टर करेंगे, हम रजिस्टर हैं यहाँ पर, लॉगिन है हम। ठीक है, ये आप सिंपली जीमेल अकाउंट से रजिस्टर कर सकते हैं, फिर लॉगिन करें। ठीक है, जीमेल अकाउंट से पहले रजिस्टर करें और बाद में इसको लॉगिन करें। तो मैंने अपना जो है ना ईमेल यहाँ पर एंटर किया है और मैं अभी यहाँ पर लॉग इन हूँ। ठीक है, तो कनेक्ट डिवाइस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है ना ट्रस्ट क्लिक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 ठीक है, यहाँ पर ये जो है ना कनेक्ट हो गया। ठीक है, ये और ये हेलो हेलो स्क्रीन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये अभी कनेक्ट पर ये आप देख सकते हैं ये बाईपास हो रहा है। तो लिए कुछ में अब सीधी ओके करेंगे। इस मेथड से आप 12 वर्जन से लेकर 14.8 वर्जन तक आप इजीली बाईपास कर सकते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं F3 यार आप
A1N। या ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास सक्सेसफुली जो है ना बाईपास हो गया। ठीक है।